बांगरबाऊ उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी श्रीकांत कटियार के समर्थन में सभा करने पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने नई बहस को जन्म दे दिया है। दरअसल सभा को संबोधित करते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि कब्रिस्तान और शमशान आबादी के अनुपात में होने चाहिए। साक्षी महाराज ने कहा कि गांव में मुस्लिम आबादी कम होने पर भी कब्रिस्तान का क्षेत्रफल काफी ज्यादा होता है, आपको खेत की मेड़ पर दाह संस्कार करना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। अगर एक भी मुसलमान है गांव में तो कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, पर आप अपने खेत के मेड़ पर दाह संस्कार करते हैं या गंगा में जाके दाह संस्कार करते हैं। और जी मीडिया संवाददाता दयाशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दयाशंकर, क्या कुछ और कहते हुए नजर आए यहाँ पर साक्षी महाराज, एक और नया विवाद खड़ा कर दिया इन्होंने तो। जी बता देना सर, साक्षी महाराज हमेशा अपने व्यक्ति बहनों से इनकी पहचान है, क्योंकि जब उपचुनाव चल रहा मांगरों में उसी समय एक छोटी सी गांव में जनसभा कर रहे थे, उसमें उन्होंने फिर वही व्यक्ति का बयान दिया है कि शमशान को लेकर कब्रिस्तान को लेकर, क्योंकि हमेशा ये कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं कि हमेशा सुर्खियों में बने रहे। कल मेरी बात हुई क्योंकि रात में यहाँ निकलते उसके बाद हमेशा व्यक्ति का बयान देता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कब्रिस्तान शमशान ये दो अब विवाद खड़े कर दिए हैं कि जितनी जगह कब्रिस्तान को होती है या शमशान को होती है उसको लेकर उन्होंने किस तरह से बयान दिया इस पर। अब क्या बीजेपी की ओर से भी कुछ कहा जा रहा है, इस पर कोई सफाई दी जा रही है? साक्षी महाराज ने इस पर कुछ कहा कि किस आधार पर आप कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ विवादित बयान का सामने अक्सर आता ही है। जी बता देना चाहता हूँ, हमेशा ही अपने बीच के बयान सजा पाता है जिनमें के आरोप में उसी को लेकर उपचुनाव है। यहाँ पर ये शाम को जैसे दिल्ली पहुंचते हैं, एक छोटी सी सभा करते हैं, उसमें व्यक्तों में रहते हैं हिंदू मुस्लिम को लेकर हमेशा एक कुछ ना कुछ बोला करते हैं, क्योंकि जैसा व्यक्त को संसार को लेकर दिया है तो इसमें कुछ ना कुछ अपराधों को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग से संज्ञान लेगा। जिला अध्यक्ष से बात हुई तो यहाँ बीजेपी के खिलाफ इनके खिलाफ कोई बोलता नहीं, ना कोई बोलने तैयार है। जी तो ये इन्होंने क्या एक तुक दिया है कि जहाँ पर एक भी कोई मुस्लिम होता है तो। हमारे साथ जो है फोन लाइन पर साक्षी महाराज जी जुड़ चुके हैं, सीधा उनसे बात करेंगे। सर आपका स्वागत है महाराज जी, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे। ये जो आपका बयान सामने आया है कि कब्रिस्तान और शमशान आबादी के अनुपात में होने चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मेरा बयान नहीं है, पिछले चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते रहे हैं कि गाँव में कब्रिस्तान हो तो शमशान भी होना चाहिए, तो मैंने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री को लिखित में भी और इस बयान के माध्यम से अवगत कराया कि हम लोगों ने ये वचन दिया था कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो जाति अनुपात के आधार पर बिना भेदभाव के कब्रिस्तान होगा तो शमशान भी होगा। तो कब्रिस्तान तो पूरे प्रदेश में बन गया है, शमशान पर अपने परिजनों को जलाते हैं तो ठीक नहीं है, इसलिए शमशान की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसमें अगर आपको भी गलत लगता हो तो फिर मैंने गलत कहा है, वरना मैंने सही कहा है। नहीं तो आपने ये भी तो कहा जहाँ पर मुस्लिम आबादी कम भी होती है वहाँ पर भी कब्रिस्तान का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, इससे आपका क्या अर्थ है? इसमें क्या बुरी बात है, जब मुस्लिम आबादी एक भी है वहाँ कब्रिस्तान है और 100 हिंदू और वहाँ शमशान नहीं है, तो ये क्या न्याय है ये? जीते जी तो हम देखते हैं कि जो जीवन है उसमें बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं, ज्यादातर जो नेता हैं वो कई विवाद खड़े करते हैं, लेकिन मरने के बाद किसी के वहां पर कब्रिस्तान या शमशान घाट को लेकर तो ये विवाद नहीं होना चाहिए। साक्षी महाराज से लगता संपर्क उनका टूटा या उन्होंने खुद तोड़ा, क्योंकि यहाँ पे मैं सवाल कर रही थी और इस बीच जवाब देते हुए नजर शायद वो नहीं आना चाहते थे, जवाब नहीं देना चाहते थे। साक्षी महाराज ने कहा कि जो कहा है वो उसमें गलत किया है, उनके अनुसार ये बात है। तो साक्षी महाराज की ओर से कहा गया है कि गांव में मुस्लिम आबादी कम होने पर भी कब्रिस्तान का क्षेत्रफल काफी ज्यादा होता है, और इस पर उन्होंने कहा कि मैंने क्या गलत कहा है। सवाल करने पर उससे पहले ही उन्होंने फोन काट दिया है, हालांकि दोबारा हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, फोन काटा या कटाए इसका उनको जवाब देना होगा। आपको खेत की मेड़ पर दाह संस्कार करना पड़ता है, ये ठीक नहीं है। तो इस तरह के बयान का क्या अर्थ है साक्षी महाराज का, यही जानने की हम कोशिश कर रहे थे। बीजेपी के सांसद हैं, पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया इस पर आएगी वो भी देखना होगा, लेकिन एक तरफ विपक्ष भी तैयार होगा इस तरह के बयान को लेकर अब भुनाने के लिए, और बैठे बैठाए इस तरह के बयान दिए जाने के बाद मुद्दा मिल जाता है विपक्ष को ताकि वो सरकार को घेर सके। तो बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने
एक बार फिर से बयान दिया है और बयान दिया है तो उस पर अब बहस नए सिरे से शुरू हो जाएगी। दयाशंकर हमारे साथ लगातार बने हुए। दयाशंकर, यहां पर साक्षी महाराज कह रहे हैं कि मैंने क्या गलत कह दिया, मुस्लिम आबादी जहां पर कम है वहां पर कब्रिस्तान का क्षेत्रफल ज्यादा है, जिंदा कोई व्यक्ति होता है तो वहां पर आप बहुत सारा विवाद पहले ही खड़ा कर देते हैं नेतागण, किसी के मरने के बाद भी अब आप तय करेंगे कि कितनी जमीन होनी चाहिए कितना जमीन नहीं होनी चाहिए। बहुत शर्म आती है ऐसे बयान को सुनकर जब किसी नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं। जी बिल्कुल, बताया जाता हूँ जी साक्षी साहब, जिसे कह रहे थे हमेशा अपने बयान जो देते हैं उसे जल्दी पढ़ते भी नहीं है, अपने अड़ी रहते हैं उसी को लेकर। देखो अब इनकी पार्टी तरफ से क्या प्रक्रिया आती है, बाकी क्या करता है, क्या सवाल खड़े करता है, क्योंकि चुनाव के समय ऐसा बयान दिया है, हिंदू मुस्लिम का बयान दिया है और ऐसा बयान दिया कि समाजवादी पार्टी की ओर से अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम सीधा उनसे बात करेंगे। आपका स्वागत है सर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। साक्षी महाराज हैं बीजेपी के सांसद, वो कह रहे हैं कि कब्रिस्तान और शमशान की जो आबादी के अनुसार जो है क्षेत्रफल होना चाहिए, वो कह रहे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी कम होती है वहां पर भी कब्रिस्तान का क्षेत्रफल ज्यादा होता है, क्या कहेंगे इस पर? हाँ वही मैं आपको बोलना चाहता, भारतीय जनता पार्टी को विकास की राजनीति करनी नहीं है, डेवलपमेंट की बात ही नहीं करनी। 3.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर में महिलाओं में अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर वन हो गया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, शर्म नहीं आ रही? 5-5 साल बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह में हथरस की बेटी को आपने जला दिया बिना माँ बाप के परमिशन के, चाहे बाराबंकी की घटना हो, चाहे जौनपुर आजमगढ़ हो, चाहे लखनऊ लखीमपुर हो या उन्नाव हो, लगातार बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, इस पर बात नहीं होगी? बेरोजगारी पे लोग आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे युवा घूम रहे हैं, हमारे यहाँ की लड़कियां लड़की बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं डिग्री लेके, इस पर बात नहीं होगी? कोरोना काल से लोगों की मौतें हो रही है, रोजगार चला गया, इस पर बात नहीं होगी? देखिए आप कैसे ये लोग हैं, ये नफरत की राजनीति, इलेक्शन है जीतना है, इनको पता है कि देश में नफरत की बात करोगे तो इलेक्शन जीतना आसान होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता मान गई है, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश की और देश की जनता समझ गई है कि आप इलेक्शन आने पे नफरत की और बंटवारे की राजनीति करोगे तो मैं तो इलेक्शन कमीशन से कहूंगा ऐसे बयानों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और डेवलपमेंट की बात अगर नहीं करते हैं, जैसे समाजवादी लोग हमेशा विकास की बात करते हैं, हम तो हमेशा विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, वोट भी उसी पे मांगते हैं, और देखना आने वाले चुनाव में, उपचुनाव में भी और 22 में भी जनता सिर्फ विकास के नाम का वोट देगी, नफरत के नाम पे वोट नहीं मिलेगा, इनके सपने। अनुराग जी, साक्षी महाराज ने ये भी कहा, साक्षी महाराज ने ये भी कहा कि पहले ही इस पर बातचीत चल रही है कि अब जातिगत के हिसाब से हम जो है जहां पर शमशान घाट या कब्रिस्तान है वहां पर वो जगह दे दें। 3.5 साल की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में भी राज्य में भी है, जो चाहते वो करते हैं, रोक कौन है उनको? लेकिन ये इलेक्शन के वक्त ये सब बातें करने का मतलब होता है कि आप नफरत की राजनीति बनाना चाहते हो, आप विकास की बात नहीं करना चाहते भाई। महिला अत्याचार आपको, आप अच्छा बताइए, आप एक महिला है, महिला पर अत्याचार ज्यादा जरूरी है कि नफरत की बात करना ज्यादा जरूरी है? महिला पर अत्याचार रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, आप बताइए? बिल्कुल रुकना चाहिए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी नेताओं की तरफ से आती है तो हम सवाल खड़े करते हैं, इसलिए आपसे भी बात कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से बोलिए, बीजेपी के नेताओं की तरफ से आती है, विकास की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए भाई? ये ध्यान भटकाना चाहते हैं असली मुद्दों से। ठीक है, तो आपको लगता है कि ध्यान भटकाना चाहते हैं मुद्दों से, शुक्रिया आपका, असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। शुक्रिया आपका अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे साथ दयाशंकर भी बने थे, जानकारी दे रहे थे, शुक्रिया आपका।